हेलो क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस, क्लास फोर्थ सोशल स्टडीज़। सभी स्टूडेंट्स अपनी सोशल स्टडीज़ की बुक ओपन करेंगे। चैप्टर वन। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर वन कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर था हमारा द माउंटेन, नॉर्थन माउंटेन्स। अब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आज सभी बच्चे यहाँ पे अपनी डेट मेंशन करेंगे, आज की 27 अप्रैल 2021। सबसे पहले करेंगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट। हमें नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक करेक्ट है, जो करेक्ट है हमें उसको टिक करना है। पहला क्वेश्चन है, ऑर्चर्ड्स एंड टी प्लांटेशन आर फाउंड इन। जो ऑर्चर्ड्स हैं यानी कि बागीचे हैं, और टी प्लांटेशन यानी कि चाय के बागान या चाय की खेती कहाँ पे पाई जाती है। ऑप्शन है हमारे पास हिमाद्री रेंज, शिवालिक रेंज और हिमाचल रेंज। इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल रेंज। तो हम हिमाचल रेंज के आगे जो बॉक्स है उसके आगे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन हिमाद्री रेंज इज। जो मुख्य स्रोत है कमाई का हिमाद्री रेंज में, वो क्या है। ऑप्शन है हमारे पास प्लांटेशन, टूरिज्म, एनिमल रियरिंग। प्लांटेशन होता है पेड़ पौधे उगाना, उनके थ्रू जो उनके ऊपर फल प्राप्त करते हैं उनको बेच के अपनी आजीविका चलाना। टूरिज्म, अगर हमारे यहाँ पे सैलानियाँ घूमने आते हैं तो हम उनसे, अगर वो हम होटल्स वगैरह में ठहरते हैं या फिर घूमने फिरने जाते हैं, टैक्सी वगैरह में जाते हैं, तो उससे इनकम होती है। थर्ड, एनिमल रियरिंग, अगर हम पशुओं को चराते हैं। तो क्या मेन सोर्स ऑफ इनकम है हिमाद्री रेंज का? हिमाद्री रेंज का मेन सोर्स ऑफ इनकम है प्लांटेशन। तो प्लांटेशन के आगे जो बॉक्स है उस पर टिक करेंगे। थर्ड, काराकोरम माउंटेन रेंज लाइज टू द, जो काराकोरम माउंटेन रेंज है वो किसके बीच लाई करती है, मीन्स किस किन दोनों दिशाओं के बीच स्थित है। ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट ऑफ द हिमालयाज, साउथ ईस्ट ऑफ द हिमालयाज या नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयाज। इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयाज। सो जो थर्ड ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयाज, इस बॉक्स के सामने टिक करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स। द माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया आर कॉल्ड हिमालयाज। जो नॉर्थ ईस्ट रेंज है वो क्या कहलाई जाती है, हिमालयाज। रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डैश रेंज। जो हमारी गंगा नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो होती है हिमालय पर्वत श्रृंखला से। तो यहाँ पे आएगा हिमालयाज। डैश इज ए लॉन्ग स्कर्ट वोर्न बाय वुमेन इन सिक्किम। जो सिक्किम राज्य है उसमें एक लॉन्ग लंबी स्कर्ट पहनी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, बाकू। तो हम यहाँ पे बाकू मेंशन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में, द डैश प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन्स। जो हमारी हिमालय है, हिमालय की रेंज है, हिमालय की चोटी है, वो प्रोटेक्ट करती है हमारे विदेशी इन्वेजन से। फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन, डैश आर द लोएस्ट एंड द नैरोएस्ट रेंज इन द एंटायर हिमालयंस। वे कौन सी हिमालय रेंज है हिमालय रेंज के अंदर जो लोएस्ट यानी कि छोटी और नैरोएस्ट सबसे कम चौड़ी है, वो है हमारी आउटर हिमालयाज। तो इसका आंसर है आउटर हिमालयाज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। थर्ड क्वेश्चन है, मैचिंग करनी है जो दोनों साइड हमें नेम्स दिए हैं, जो इसका करेक्ट आंसर होगा उसके सामने इसका
नंबर मेंशन करेंगे। हिमालयाज, थ्री पैरेलल नेम्स, इससे मैच होता है तो इसके सामने वन मेंशन करेंगे। पूर्वांचल रेंज, कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट, घने जंगलों से ढकी रहती है। थर्ड हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास है, रोहतांग दर्रा है। फोर्थ सिक्किम, सिक्किम में बाकू, बाकू से रिलेट करता है क्योंकि बाकू एक तरह की ड्रेस है जो वहाँ के वुमेंस के द्वारा पहनी जाती है। कुल्लू, दशहरा, दशहरा से इसलिए मैच होगा क्योंकि जो दशहरा है वो कुल्लू का मेन फेस्टिवल है, वहाँ का जो लोकल फेस्टिवल है, मीन्स जो वहाँ के लोग बाग है उस फेस्टिवल को ज़्यादा मनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और जो भी वर्क मैंने आपको कराया है, ये बुक वर्क, ये बुक में करने के साथ साथ आपको अपनी नोटबुक में भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज दूंगा आपके रेस्पेक्टिव ग्रुप में। नेक्स्ट क्लास में हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।